इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। बताइएगा, जमादारान के खिलाफ कार्रवाई बनती है? ये कब तक हम लोग की बात करेंगे कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिजली गैस से शुरू करें, नीचे तक आ जाए, पोलियो के टीकों में मिलावट तक आ जाए। अब ये जो वाकया हुआ है, इसको मैं और आप जिस नज़र से देख रहे हैं, उस नज़र से हुकूमतें आलीशान नहीं देख रही। उनके जो एक खसूसी हैं, उनका एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है कि तो कुछ भी नहीं है, फजूल बदनाम कर रहे हैं, हमको कोई ताल्लुक नहीं था मलेशिया कोर्ट का कि इस जहाज़ पे कब्ज़ा करता, कोई ताल्लुक नहीं था मलेशिया का इस पूरी सूरत हाल से। ये तो कंपनी है, उसके दरमियान है। हम तो ख़र्चा कम कर रहे थे, कोरोना की वजह से जहाज खड़े हुए थे, तमाम कंपनियाँ रेट्स पे बात कर रही हैं, हम भी रेट्स पे बात कर रहे थे, तो क्यों जहाज़ पकड़ लिया हमारा? इस बेचारे को नहीं पता कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। कराची पोर्ट पर खड़ा हुआ कोई भी जहाज़, सी पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान की कोई भी अदालत कब्जे में ले सकती है। इंटरनेशनल लॉ यही कहता है। आपने पैसे नहीं दिए, लीज के पैसे नहीं दिए, पट्टे के पैसे नहीं दिए, तो आप पकड़े गए और पकड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ इल्ज़ाम तलाशी कर रही है। ये पूरा पढ़िएगा ट्वीट, आप बहुत बड़ा है, लंबा ट्वीट है और बड़ी पूरी तदरीस है आपको कि मुस्बत रिपोर्टिंग क्या होती है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, PIA हमारे लिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कलंका टीका बन रही है, लेकिन टीका तो बन गई। कल चाइना में हमने 10 ऐसे मुसाफिर भेजे जिनमें कोरोना था, और हमने भेजे नहीं, बाकायदा शौरी तौर पर भेजे हमने, क्योंकि PIA का एक SOP है कि आप जाने से पहले एक सर्टिफिकेट दोगे, PCR दोगे कि आप कोरोना नहीं है। उसके लिए उन्होंने डेजिग्नेट की हुई है लैब्स, और उन लैब्स में कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। आप जाए, टेस्ट कराएं, सर्टिफिकेट काउंटर पर डालें, चले जाएं आप। वहां जाके अगर कोरोना आपको निकल गया तो आप जाने, आपकी किस्मत जाने, और PIA जाने तो PIA कोरोना बंद कर दे 3 हफ्ते के लिए। ठीक है, यूरोप में पहले ही बंद है हम। तो है प्यारे लोगों, किस किस को जिम्मेदार करार दोगे? जिम्मेदार तो वही है जो टॉप पे बैठा हुआ है। आज मुझे कहना पड़ेगा कि जिम्मेदार वही है जो कप्तान है। जनरल साहब, जिम्मेदारी आयत इस पर होती है और जिन पर आयत होती है फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी जो है वो एस्टेब्लिश करे कि इसके जिम्मेदारान कौन है। और नेचुरली एक एयरलाइन है, एयरलाइन को चलाने वाले लोग ऊपर मौजूद हैं, उसका MD भी मुकर्रर किया हुआ है, और ये सारी चीजें जो हैं वो उन्हीं के जेरे साया होती हैं, तो ये तो एक इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ भी नजर आती है। एक तरफ तो इसकी सालिसी का काम अभी चल रहा था, जब सालिसी प्रोसेस में है तो जब तक उसका फैसला नहीं आता, ये जो अदालती फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रुकी हुई है, वो हो नहीं सकती थी। तो या तो वो सालिसी का फैसला उधर हो चुका है और इनको पता नहीं, कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी चीज है जो छुपी हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है कि मुसाफिर भी गए थे वहां पे, पहुंचे और अचानक जहाज पे कब्जा भी कर दिया गया, ये कोई छोटी बात नहीं। तो लाजमी बात है कि इसकी कानूनी पहलू जो है वो भी देखने होंगे कि जब एक रिकॉग्नाइज किस्म की सालिसी आपकी चल रही थी तो फिर जहाज पे क्यों कब्जा किया गया। लिहाजा ये इशू इतना सादा नहीं कि यहाँ स्ट्रेट अवे हम कह दें कि वाकई ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ, लेकिन बारसूरत जागस आई हुई मुल्क की, कोई ना कोई तो इसका जिम्मेदार है, और उसको इस चीज को निपटाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए और इंक्वायरी करके तो जिम्मेदारी भी डालनी चाहिए ताकि किसी के खिलाफ एक्शन हो सके। सही। मोना जनरल साहब ने यहाँ पे 2 पॉइंट रखे, तो ये कि जब सालसी चल रही हो तो ऐसे में किस तरह से ये कब्जे में लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी आ गया कि अगर सालसी मुकम्मल हुई, फैसला हो गया तो भी लाइन निकली हुकूमत, फिर कार्रवाई तो बनती है। एक्चुअली जरियाब, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो डिसीजन था ये वैसे भी यूके की एक फर्म है जिसको अदायगी ना करने की बुनियाद पर या जिनके साथ
डिफॉल्ट होने की बुनियाद पर पीआईए को रोका गया है मलेशिया में। अच्छा, इसको एक और तनाजुर में, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो ऑलरेडी कुछ पहलू तो हाईलाइट कर चुके हैं, मैं इसको एक और तनाजुर में इसलिए भी देखना चाहती हूँ क्योंकि मलेशिया हमारा एक बहुत हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है। मलेशिया वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का बहुत सारे इश्यूज पर साथ दिया है, सबसे बढ़कर हमारा जो कोर इशू है कश्मीर का और भारतीय जो खास तौर पर बर्बरियत है कश्मीर में, हमेशा से मलेशिया ने हमारा साथ दिया है। और ये एक वो ब्लॉक है यानी कि मलेशिया, कतर और टर्की के, इन्होंने पाकिस्तान का बहुत टेस्टिंग टाइम्स में भी हमारे साथ उन्होंने एक तो कंटिन्यू करते हुए वो लोग नजर आए हैं, और दूसरा ये कि हम आहंग हैं बहुत सारे अपने मसाइल पर, हमारे जो करेक्टिव इशूज हैं रीजन के हिसाब से कि हमने जी दहशतगर्दी को काउंटर वगैरह वगैरह। तो इतनी फ्रेंडली कंट्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे महातीर मोहम्मद, उनके अब जाने के बाद अब उनके सक्सेसर हैं, क्योंकि वो ऑल्दो ये कि ही हैज एग्जिटेड हिज ऑफिस, लेकिन उसके बावजूद बात ये है कि यहाँ इतनी इस कदर फ्रेंडली कंट्री से इस किस्म का एक्शन, ये मेरे लिए वाकई इट्स अ मैटर ऑफ वरी। जो एक्शन है वो यकीनन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको डिप्लोमेटिकली देखना हमारे लिए जरूरी है कि आया इतना दोस्त मुल्क जो हमारा मलेशिया है, उनकी तरफ से इस किस्म का एक्शन क्यों हुआ। कोई और क्या राह नहीं निकाली जा सकती थी, क्या बिफोर हैंड नहीं इतला दी जा सकती थी कि अगर ये तो नहीं हो सकता ना कि अचानक वन फाइन डे जी यहाँ से तैयारा उड़ा और मलेशिया के हवाई अड्डे पर लैंड हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको बिफोर हैंड पता था कि जी ये तैयारा आने वाला है, एक्सपेक्टेड है ये यहाँ लैंड कर रहा है। तो अगर अराइवल से पहले ये बात बताई जा सकती थी तो मुझे लगता है एक तो ये बहुत एक एम्बेरसिंग सी सिचुएशन बन गई है ना, इसको हम अवॉइड कर सकते थे। अच्छा, दूसरा तनाजुर इसका यकीनन पीआईए के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी एनबीसी भी बात कर रहे थे कि पीआईए की तरफ लातादाद इस किस्म के इश्यूज हैं, हम कब कब आपके प्रोग्राम पर आकर ये कभी यूरोप में रोक दिया, यूरोपियन यूनियन में रोक दिया, कभी क्या हो गया, कभी रूजवेल्ट के मसले, तो इस किस्म के कितने इश्यूज हैं जो पीआईए के हवाले से रिकरिंग हैं, कभी पायलट्स के मसले, मतलब इस पे कब एक्शन होगा, हम कितनी दफा बोलते रहे जी एक्शन ले एक्शन ले। ये मुझे लगता है अब ये बातों से बढ़कर जो है वो काम करने की जरूरत वो वाली बात है, क्योंकि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानते, तो लिहाजा लेट्स मूव अहेड ऑफ टॉक्स। जो इसके जिम्मेदारान हैं वो यकीनन इस किस्म के लोग हैं, जो बातों से आगे बढ़कर उनके खिलाफ एक्शन होगा तो वो बाज आएंगे, वरना मुझे लगता है इस किस्म की चीजें नहीं रुकेंगी। इब्राहिम, मोना फरमा रही हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं बाज आते, एनबीसी ये कह रहे हैं कि मतलब हमारी जानकारी के लिए कि ऐसे ऐसे वजीर भी हैं जो इस बारे में तमहीदें बांध रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर कार्रवाई हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे होगी आगे चल के। ज़रियाब, इस मामले पर सबसे पहले तो आपको सजदा रेज होना चाहिए, उसके बाद मुझे और हमारे जो दीगर शुरका हैं उनको भी सजदा करना चाहिए, और अगर जनरल साहब मुनासिब समझें तो वो भी एक सजदा शुक्र करें। हम सबको सजदा करना चाहिए और वो सजदा शुक्र हो, और उसमें हम ये खुदा का शुक्र अदा करें कि इस वक्त में सवार नहीं दे कि ये नहीं, हम ये शुक्र करें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इस वजह से सिर्फ हमारा एक जहाज जो है उसको इस तरीके से उस पर कब्जा किया गया और हमारी जगह सही हुई है। अगर ये नून लीग की हुकूमत होती और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो हमारे कोई 10 जहाज जो हैं उनके ऊपर इस तरह से कब्जा होता, ये मुमकिना जवाब है आपकी हुकूमत का जब आप इस इशू को उठाएंगे कि ये तो हमारी कामयाबी है कि हमने सिर्फ एक जहाज पर कब्जा होने दिया, ज्यादा जहाजों पर कब्जा नहीं होने दिया। और वहां से जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स देखें कि आपका क्रू जो है वो परवाज के लिए तैयार था, आपके मुसाफिर जो हैं वो अंदर बैठे हुए थे, और एक अंदर वो मलेशियन हुकाम जाते हैं और उनको उतारते हैं और वो बड़े खौफजदा हो जाते हैं मुसाफिर कि पता नहीं क्या होने लगा, और उसके बाद वो तैयारा आपका जो है वो हिसार में लेके कब्जे में ले लेते हैं। आप देखी होगी हमारे सारे शुरुआत ने कि इंडियन मीडिया ने भी इसकी कैसे कवरेज की है। इससे पहले जिस तरह से पीआईए के तैयारों पर, पीआईए के परवाजों पर यूरोप में बैन लगवाया गया, फिर वो डिग्रियों वाला जो इशू उछाला गया, इसमें एक कहावत है वो परनाले वाली, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, आपको ज्यादा मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन इसके लिए ये हमें देखना पड़ेगा कि परनाला वही है। जी सर, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये परनाला वही है। ये सारा खुरा जाता है गुलाम सरवर खान की जानिब, जिनकी अपनी डिग्री मशकूक है, जिनमें कोई अहलियत नहीं है, जो इससे पहले एक वजारत पेट्रोलियम का कबाड़ा कर चुके हैं, उसके बाद मुसलसल वो पीआईए के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं। लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो खुद एहतसाबी का नारा लगाते थे, जो कहते थे कि एहतसाब जो है वो मुझसे शुरू होगा और मेरी कैबिनेट से शुरू होगा,
किसी किस्म की उनसे बात पूछ नहीं हुई। वो जो उन्होंने गैस के बिल भेजे थे लंबे चौड़े, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी करवाई थी और कहा था कि वो हम लोगों को वापस करेंगे, ना तो वो वापस हुए, और फिर गुलाम सरवर खान यहां साहब यहां पे आए एविएशन में, उसके बाद पीआईए का कबाड़ा किया और ये कबाड़ा जारी है। और इसमें ये भी आप देखें कि ये अब ये जो एक्सक्यूज बनाया जा रहा है कि जी बिल्कुल अचानक फैसला आया जैसे ही वहां पे कोई लैंड करने मतलब लगा जहाज उनकी अदालत की बातों से मैं ये क्या इनको नहीं पता था तो होनी चाहिए, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ जरा कार्रवाई देखें डायरेक्ट डायरेक्ट जब तक वहां, क्योंकि मिनिस्टर आपका जो है वो इंचार्ज होता है, ठीक है, डायरेक्ट जब तक वहां से कार्रवाई नहीं शुरू होगी नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। और ये भी कोई मानने वाली बात नहीं है कि इनको पता नहीं था कि इनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है, ना ही वो मानने वाली बात है कि ये लैंडिंग के वक्त कोई आधे घंटे में वो फैसला आया उनको पता नहीं। अगर निकली हुकूमत तो भी ना अहली है खत्म। आई होप आपने वीडियो देखा होगा और आप समझ गए होंगे पाकिस्तान का ये मसला क्या है। बेसिकली पाकिस्तान का जो पीआईए मतलब पाकिस्तानी एयरलाइंस का जो जहाज है, जो उनकी सरकारी एयरलाइंस का जहाज है, वो मलेशिया में कब्जा कर लिया गया उस जहाज पर, और उसमें जो बैठे लोग होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी आप भी समझ सकते हैं। वो बेचारे अब वापस जाने के चक्कर में कैसे जा रहे होंगे वो भी आप समझ सकते हैं। तो इस जहाज को क्यों कब्जा किया गया, इसका मेन रीज़न है वियतनाम की कंपनी के $14 मिलियन जो लीज पे बनते थे वो पाकिस्तानी एयरलाइंस ने नहीं चुकाए, तो अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। उनने वो जहाज खटारा कब्जा किया है, हालांकि वो भी मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि उस जहाज को बेचकर वो $14 मिलियन बना पाएंगे। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है, एक तो ये कर्जा लेते हैं लीज पर, ब्याज पर, लोन पर, सब कुछ लेते हैं, लेकिन ये देने का नाम नहीं है। मतलब आप समझ जाइए कि ये इस तरीके की कंट्री है। और साथ में आज पाकिस्तान एयरलाइंस को एक और पाबंदी लगी है, ईरान। ईरान आप समझ सकते हो, ईरान जो इनका पड़ोसी देश है उसने पाकिस्तान पर पाकिस्तानी एयरलाइंस को अपनी मतलब ईरान की एयर स्पेस से गुजरने को मना कर दिया है। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान पर आज दो पाबंदियां लगी हैं। और मलेशिया और ईरान ये पाकिस्तान के मतलब बहुत ब्रदर इस्लामी मुल्क थे, आपको पता है। ये लोग ऐसा गुणगान करते थे ये मलेशिया के साथ मिलकर और टर्की के साथ मिलकर ये नया इस्लामी ग्रुप खड़ा करना चाह रहे थे OIC के अगेंस्ट, आपको याद होगा। तो मतलब समझ सकते हो आप दोस्तों, तो मलेशिया ने ही आज पाकिस्तान की बैंड बजाई है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। इमरान खान कुछ दिन पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद के साथ और वो एक और क्या नाम था उसका, तैयब एर्दोगान के साथ मिलकर एक इस्लामी ब्लॉग बना रहे थे और एक नया टीवी चैनल शो स्टार्ट कर रहे थे जिसमें ये इस्लाम के बारे में बताएंगे और बाकी मतलब ये सब चीज़ें करेंगे, इस तरीके की हरकतें करेंगे। तो दोस्तों मलेशिया ने दिया है पाकिस्तान को ज़बरदस्त झटका, और इस झटका को लेकर डेफिनेटली पाकिस्तानियों को आएगा मज़ा, क्योंकि पाकिस्तानियों का मतलब हर मतलब मुस्लिम कंट्री को ये ब्रदर इस्लाम, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, इस तरीके की बात करते थे। आपको पता है पैसे के मामले में आज कल भाई भाई का नहीं है, तो ये कहाँ ब्रदर इस्लामी मुल्क बना रहे हैं, ये मतलब पैसे लेकर मतलब वही है, मैं भी मुस्लिम तू भी मुस्लिम ले आओ जी पैसे, वो गौरावारे का एक डायलॉग है, वही मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरीके की इनकी हरकतें हैं, और अच्छा है नाक कटी है दुनिया में। और चाइना ने भी इसके साथ पाकिस्तानी एयरलाइंस, पाकिस्तान से आने वाली एयरलाइंस को बैन किया कोरोना की वजह से, क्योंकि जो पाकिस्तान के मतलब लोग वहाँ पर गए थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले थे, मतलब पाकिस्तानी एयरलाइंस कोरोना पॉजिटिव वालों को भर्ती मतलब ट्रेवल करा रही है, मतलब ये लोग टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आ जाओ। तो इस तरीके की हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान ने ले देकर इसमें इंडिया का भी हाथ बता दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते खत्म, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।